आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आखिर लौट के चीन बातचीत पर ही आ गया है। 78 दिन बाद एलएसी पर तनाव को लेकर फिर से बातचीत हो रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को अप्रैल वाली पोजीशन पर लौटना होगा। अब गेंद चीन के पाले में है। अब देखना यह है कि जमाने वाली ठंड में चीन के तेवर कितने ढीले पड़ते हैं। लौट के चीन बातचीत पर आया। 78 दिन बाद फिर चीन के साथ बात। मॉल्डो में सैन्य स्तर की बड़ी बैठक। -30 डिग्री में एलएसी पर गर्मी। 9 दौर की मुलाकात बनेगी बात। एलएसी पर 9 महीने से गतिरोध है। भारत और चीन की सेना आमने सामने है। टैंक है, तोप है, भारी हथियार है, सैनिकों का जमावड़ा है। जमाने वाली सर्दी में भी पारा चढ़ा हुआ है। -30 डिग्री में तनाव है, गर्मी है। भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलने के लिए एक बार फिर से दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर है। 78 दिन बाद भारत और चीन में सैन्य स्तर की बात हो रही है। 9वें दौर की बातचीत एलएसी में चुशूल के पास मॉल्डो में हो रही है। मॉल्डो का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट चीन की तरफ है। बैठक में भारत की ओर से 14वीं कॉप्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन और चीन की ओर से मेजर जनरल लियोलेन शिरकत करेंगे। बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे। लद्दाख सरहद पर जारी तनाव के बीच एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से भारत और चीनी सेनाओं के बीच में मॉल्डो में बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि इस बातचीत को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना पर लद्दाख की सर्दी भारी पड़ रही है और भारतीय सेना ने भी साफ कर दिया है कि चीनी सेना को हर हाल में अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटना होगा। पिछले साल अप्रैल में बढ़े तनाव के बाद अब भारत और चीन में सैन्य स्तर की 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। आज चीनी पक्ष उस मेमो का जवाब देगा जो भारत ने भेजा है। देखिए, बातचीत तो होनी चाहिए चीन और भारत के बीच में, और हल भी फाइनली बातचीत से ही निकलना है, क्योंकि मिलिट्री एक्शन भी बातचीत के ऊपर अच्छी नेगोशिएटिंग पोजीशन पर ले जाने के लिए किए जाते हैं। अप्रैल में चीन ने चालबाजी दिखाते हुए एलएसी पर कदम आगे बढ़ाए। इसके बाद बढ़े तनाव के बाद बातचीत भी शुरू हुई। पिछले साल 6 जून को पहले दौर की बात हुई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। 15 जून को तो हिंसक झड़प हुई, फिर बातचीत और तनाव साथ साथ चलता रहा। भारत ने हर बैठक में साफ कर दिया कि चीन को अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर लौटना होगा। 5वें दौर में पेंगोंग के उस इलाके से सैनिकों को हटाने पर बात हुई जहां खूनी संघर्ष हुआ था। नई तारीख पर फिर बात शुरू हुई। संयम और शांति वाली वही बातें दोहराई गई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। अब भी दोनों देशों के 50,000 सैनिक ईस्ट लद्दाख के मोर्चे पर तैनात हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नई बातचीत से उम्मीदें क्या है। भारत ने तो साफ कर दिया है कि वो हटने वाला नहीं है। हटना तो चीन को ही पड़ेगा। भरोसा इतना कम है कि चीन भी पीछे हटना नहीं चाहता। रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि चीन को डर है कि अगर उसने पैर खींचे तो भारत आगे बढ़ सकता है। चीन के वापस जाने में हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। कारण ये है कि सबसे पहले तो वापस जाना एक तो लॉस ऑफ फेस हो जाएगा, दूसरा उन्हें भी खतरा है कि अगर वो वापस चले गए तो जो अभी ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा भरोसा नहीं है एक दूसरे देश के ऊपर, तो अगर इंडियन आर्मी वहाँ आके बैठ गई तब वो क्या करेंगे, और तब उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, और वो भी जबकि उनका 100वां साल होने वाला है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। चीन पर कोई भरोसा करे तो कैसे करे। चालबाजी धोखेबाजी तो चीन के साथ जुड़ी हुई है। पीठ पर छुरा फूकने का इतिहास रहा है। जबान तो मीठी होती है लेकिन करतूत ऐसी कि क्या कहे। ऐसे में बातचीत के 9वें दौर से उम्मीद करे तो क्या करे। -30 डिग्री वाले मोर्चे पर तनाव खत्म करना है तो चीन को पीछे हटना ही होगा। मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
वैसे यहाँ चीन को समझ जाना चाहिए कि न्यू इंडिया 1962 वाला अब नहीं है। गलवान में चीन ने झांकी तो देख ही ली होगी, अब चीन के लिए अच्छा यही है कि वो अपने कदम पीछे कर ले। जमाने वाली ठंड में भी भारतीय जाबाज लगातार डटे हैं, मुस्तैद है। इस तारीख को चीन भला कैसे भूल सकता है, हिमाकत पर उतर आया था लेकिन मिला था करारा जवाब। गलवान वैली में निहत्थे भारतीय जांबाजों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि सारी हेकड़ी निकल गई। 20 भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे लेकिन चीन को भी जबरदस्त चोट लगी थी। 35 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। चोट इतनी गंभीर थी कि चीन अपने सैनिकों की मौत पर मातम भी नहीं मना पाया था। गलवान घाटी की झड़प ने बता दिया कि अब हिंदुस्तान बदल गया है, अब नया भारत है जो डटकर मुकाबला करता है, दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता है। गलवान की घटना के बाद एलएसी पर भारत के हौसले और बढ़े, सेना की मुस्तैदी और बढ़ी, टैंक तोप और हथियारों की तैनाती और दिखी। -30 डिग्री के तापमान में भी भारतीय जवान जमे हुए हैं। एलएसी पर करीब 50,000 सैनिक दम दिखा रहे हैं। आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। आज तक के खास शो सीधी बात में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आर पार की जंग के लिए भी तैयार हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसने न तो पहले भी किसी देश के ऊपर आक्रमण किया है और आगे भी किसी देश के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करेगा। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी ने आक्रमण किया तब उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन से 9वें दौर की बातचीत से पहले हुंकार वायुसेना चीफ ने भरी। उन्होंने कहा कि चीन ने दुस्साहस किया तो करारा जवाब मिलेगा, वो आक्रामक होगा तो हम भी होंगे। चाइना जो है वो अग्रेसिव हो सकता है, तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की तैयारी इस वक्त कैसी है, क्या अभी भी कंटिन्यू फ्लाइंग हो रही है उन सब इलाके में, खासतौर पर फ्लाई रफाल फ्लाई कर रहे हैं उस तरफ? हाँ, सब तैयारी चल रही है, अगर वो अग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चीन को समझ लेना चाहिए कि ये 1962 नहीं है, 2021 है। 59 साल में भारत काफी बदल गया है। आज का भारत मजबूत भारत है, ताकतवर भारत है जो छेड़ता नहीं है और छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।